नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय क्रमांक 104 से इस प्रथम ई लर्निंग तासिका में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के हिंदी माध्यम के गणित भाग एक के प्रकरण एक दो चरांक वाले रेखीय समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो चले हम इस चैप्टर के पहले हेडिंग को समझते हैं, मतलब उस कंसेप्ट को समझते हैं कि दो चरांक वाला रेखीय समीकरण क्या होता है, उसका व्यवहार में उपयोग कैसा होता है, ये भी हम लोग समझते हैं। तो चले इसको हम समझेंगे। इस चैप्टर के शीर्षक में कितना वर्ड्स हैं? चार वर्ड्स हैं। पहला है दो, तो हम लोग दो का मीनिंग आपको मालूम है, दो ये अंक भी आपको मालूम है। हम लोग कैसे दिखाते हैं, या तो उंगली से, नहीं तो हम दो फूलों से दिखा सकते हैं, नहीं तो कोई अक्षर भी आप ले सकते हो, जैसे अंग्रेजी वर्णाक्षर के अक्षर है वो ले सकते हैं। अभी दूसरा जो शब्द है वो है चरांक वाले। चरांक का क्या अर्थ है? चरांक का अर्थ है अक्षर, मतलब इंग्लिश के वर्णाक्षर। तो इंग्लिश के वर्णाक्षर क्या है? ए से लेकर जेड तक। तो चरांक दिखाने के लिए स्मॉल अक्षर का उपयोग किया जा सकता है। स्मॉल अक्षर का उपयोग जो है ये चरांक के लिए किया जा सकता है। तो आपको ये अक्षर मालूम है, इसे ही चरांक कहते हैं। तीसरा शब्द है रेखीय। रेखीय ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, महत्वपूर्ण शब्द है, हम लोग इसे समझते हैं लेकिन थोड़ा बाद में। पहले हम लोग चौथा वर्ड मतलब आखिरी शब्द जो है उसको हम लोग समझेंगे, उसका अर्थ हम लोग समझेंगे। समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण क्या होता है? तो ये आपने पाँचवीं से लेकर नौवीं तक ये समीकरण पढ़ा है। समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण कैसे लिखते हैं, कैसे इसको हल करते हैं, ये सब आपने पढ़ा है। लेकिन हम लोग दसवीं के अंदर थोड़ा इसका समझना ज़रूरी है, इसके लिए हम लोग समीकरण को समझते हैं। समीकरण कैसे होता है, कैसे पहचाना जा सकता है? तो हमने इसके नीचे लिखा है 5b, उसके बाद लिखा है 2x+5, उसके बाद लिखा है x+3y-8, उसके बाद लिखा है 3m-5n=8, उसके बाद में 4x²-9x+5। इस तरह से हमने इस को लिख दिया है। इस सभी का आप निरीक्षण कीजिए, आपको क्या दिखाई देता है। तो पहले देखिए, मैंने 5b लिखा तो ये क्या है, एक पद। दूसरा जो लिखा है 2x+5, ये क्या है, द्विपद। तीसरा जो मैंने लिखा है वो क्या है, x+3y-8। चौथा जो मैंने लिखा है वो क्या है, 3m-5n=8। इस तरह से मैंने ये सब लिखा है, लेकिन इसके जो अलग है क्या आपको दिखाई दे रहा, अलग क्या दिखाई दे रहा है? बराबर का साइन, बराबर बताया आपने, तो बराबर का साइन इसमें है। कौन से इसमें बराबर का साइन है तो आपको दिखाई दे रहे हैं? चौथे इसमें है, छठवें में है, सातवें में है और आठवें में भी है। इस तरह से बराबर का साइन दिखाई दे रहा है। तो बराबर का क्या मीनिंग होता है? कोई भी दो बहुपद को समान रखना, समान रखते हैं, इसका मतलब है दोनों भुजाओं को समान रखना है। जैसे सब्जी वाला सब्जी बिकता है या फ्रूट वाला फ्रूट बिकता है, तो एप्पल लेने पर हम लोग अगर एप्पल लेते हैं तो एप्पल लेने पर एप्पल एक पात्र में डालता है और वेट दूसरे पात्र में, तो उसको बैलेंस कर देते हैं, इसके लिए वो दोनों बराबर बैलेंस होते हैं। इसी तरह से ये वाला बराबर का साइन
समान दिखाता है, दोनों भुजाओं को समान दिखाता है, दोनों भुजाओं को बराबर है, समान दिखाता है। इसीलिए हम लोग समीकरण जो है कैसे पहचाना जा सकता है, बराबर साइन से, बराबर साइन से हम लोग ये समीकरण को समझ सकते हैं, ये वाला समीकरण है। तो इसमें से कौन सा समीकरण है, 3m माइनस 5m बराबर 8, ये एक समीकरण है। दूसरा और कौन सा है, 6p माइनस q बराबर 4p प्लस 7। चौथा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। और लास्ट का है 7m माइनस 4n बराबर 2m प्लस n माइनस 1। इस तरह से ये चार समीकरण है, लेकिन ये समीकरण भी अलग अलग प्रकार के समीकरण है, एक चल वाला, दो चल वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और तीसरा वर्ग समीकरण भी है, लेकिन हम लोग उसको नहीं पढ़ रहे, हम लोग दो चरांक वाले समीकरण को पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो समीकरण है, ये समीकरण रेखीय कैसा है, ये वाला रेखीय कैसे होता है, क्यों इसको रेखीय कहते हैं, तो इसका भी हम लोग एक मीनिंग समझते हैं। तो इसका एक अर्थ है, बहुत सिंपल है, खाली इसमें दो जो भी चरांक आप लिखेंगे या जो भी चरांक दिया रहेगा, उस चरांक में x का घातांक एक रहना चाहिए, मतलब उसकी जो कोटि है ये एक रहना चाहिए। मतलब क्या हुआ, कोई भी दिए हुए दो चरांक का घातांक एक रहना चाहिए, कोटि एक रहना चाहिए, तभी जाकर ये दो चरांक वाले समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। तो ये हो गया हमारा थेरेटिकल अर्थ, थेरेटिकल मीनिंग हो गया, लेकिन ये इसका प्रैक्टिकल क्या उपयोग है, प्रैक्टिकल व्यवहार में उसका उपयोग क्या है, तो ये भी हम थोड़ा उसका अर्थ समझ। दो अक्षर होते हैं, उसका घातांक एक होता है, बराबर का साइन होता है, और उसके बाद हम लोग कुछ संख्या लिखते हैं। तो सपोज हमने एक्स प्लस वाई बराबर 3 लिया है, एक दो चरांक वाला समीकरण, और जो भी समीकरण हमने लिया या दिया हुआ रहेगा, तो उसमें जो है उसका जो हल है अनेक रहता है, अनंत रहता है, तो उसमें से हमने तीन हल लिया, और ये तीन हल के तीन बिंदु हमने ग्राफ पेपर में इसको स्थापित कर दिया। तो अगर हमने ये तीन बिंदु से रेखा निकाली, तो हमको ये जो रेखा है बराबर सरल मिलती है, सीधी मिलती है। तो इसका मीनिंग है कि कोई भी दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का हम आलेख निकालेंगे, तो उसका हमको जो आलेख मिलेगा वो सरल रेखा ही रहेगा। इस तरह से हम लोग ये दो चरांक वाले समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं प्रैक्टिकल में। तो ये बिंदु स्थापन पर करने पर, कोई भी बिंदु हम लोग समीकरण का, दो चरांक वाले समीकरण का स्थापन करेंगे, तो उसका आलेख रेखा ही मिलता है। इसके लिए इस समीकरण को, इस प्रकार के समीकरण को दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। तो अभी आपको मालूम हुआ रहेगा, आपको ध्यान में आया रहेगा कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। तो आपको मालूम हो गया, आप बता सकते हो, जिस समीकरण में दो चरांक तथा उसका घातांक एक होगा, उसे दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। अभी आपको ये मालूम हो गया कि उसमें क्या क्या होता है, दो चरांक, उसका घातांक एक चाहिए। तो इस तरह हम अभी दो चरांक वाले रेखीय समीकरण एक्चुअल में कैसे बनाएंगे, कैसे तैयार करेंगे, तो वो भी हम लोग अभी सीखते हैं। तो इसका एक सामान्य रूप है, तो सामान्य रूप जो है इस तरह का है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह से ये
इसका सामान्य रूप है, लेकिन इस समीकरण में जो ए बी सी दिया है वो वास्तविक संख्याएं हैं, उसमें से ए जीरो नहीं चाहिए, बी जीरो नहीं चाहिए, ऐसा रहेगा तो वो दो चरांक वाला समीकरण नहीं बनेगा, इसलिए ए जीरो और बी जीरो नहीं चाहिए। और एक्स तथा वाई यह जो है ये चरांक है और वो चरांक की कोटि एक है, तो ये हो गया इस तरह का सामान्य रूप। तो हम लोग ये सामान्य रूप मालूम होने पर और हमने जो पिछली स्लाइड में देखा है कि दो चरांक होते हैं और उसका घातांक एक होता है, तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के कोई भी अंग्रेजी वर्णाक्षर के अक्षर ले लो, उसे ही हम लोग चरांक कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर x ले लिया और दूसरा y ले लिया, तो ये दोनों हमने चरांक ले लिया x तथा y, उसके बीच में प्लस का साइन लगा दो या आपकी मर्जी माइनस का साइन लगा दो, इसके अलावा दूसरा कौन सा साइन मत लगाओ, खाली प्लस या माइनस साइन लगाओ, और बराबर साइन देकर कोई भी संख्या प्लस या माइनस उसके आगे लिख लो, तो हमको इस तरह से समीकरण दो चरांक वाला मिल जाएगा। जैसे हमने समीकरण तैयार किया अभी, एक्स प्लस वाई बराबर माइनस एट, तो ये एक समीकरण हो गया। इस तरह से हम लोग समीकरण बना सकते हैं, कोई भी अक्षर लेके, कोई भी दो अक्षर लेके, कोई भी दो चरांक लेके आप ये समीकरण बना सकते हैं। लेकिन आपने सोचा होगा कि x का कुछ संख्या नहीं लिखा है, y का कुछ संख्या लिखा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप संख्या उधर x के आगे लिख सकते हो, y के आगे लिख सकते हो, तो उसके आगे जो संख्या हम लिखेंगे उसको गुणांक कहते हैं। तो हमने यहाँ पे x के आगे 5 लिख दिया, तो वो गुणांक हो गया 5। तो इस तरह से हमने y को भी एक संख्या उसके आगे लिखा, तो वो भी उसका गुणांक हो गया, y का गुणांक हो गया, वो हमने 2 लिखा। इस तरह से x को 5 और y को 2 लगा दिया, तो इस तरह से आप कोई भी संख्या लेकर चरांक को लगा सकते हैं। उसके बाद में बराबर साइन लिख के आप कोई भी प्लस या माइनस संख्या लिख दो अपनी मर्जी की, तो दूसरा समीकरण इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो कैसे कौन सा समीकरण कैसे तैयार हो गया अभी, 5x माइनस 2y बराबर 21। इस तरह से आप लोग x का तथा y का कोई भी गुणांक लेकर दो चरांक वाले समीकरण बना सकते हैं। आप कोई भी दो चरांक लो, उसका कोटि एक ले लो और इस तरह के समीकरण आप बना लो। तो मुझे लगता है आपको इस वीडियो देखकर ये चैप्टर समझ में आया रहेगा, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो मैंने कुछ इस प्रकरण के अंदर जो भी हमने पढ़ा है, जो भी आप लोगों ने देखा उसको पढ़ा है ध्यान से, उसके ऊपर कुछ प्रश्न मैंने दिया और आप लोग हल करेंगे, आपको ये बहुत अच्छे से बहुत आसानी से समझ में आया रहेगा। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, हम लोग उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, उसका घातांक कितना होता है दो चरांक का, इस तरह से आप कोई भी दो चरांक लेकर, दो अक्षर लेकर, उसका कोटि एक लेकर, बराबर साइन देकर, उसके आगे कुछ अपने मर्जी की संख्या लिखकर समीकरण तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी 5 दो चरांक वाले रेखीय समीकरण तैयार कीजिए। तब तक के लिए आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।